हे गाइस, वेलकम बैक। ये है लास्टली स्पोकन और आज है संडे और ये टाइम है वीकली फॉरेक्स आउटलुक का, एक रिव्यू देने का। नेक्स्ट वीक में क्या हाल होने वाला है ये कुछ प्रेडिक्शन हम करने की कोशिश करेंगे बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन या फिर टेक्निकल एनालिसिस। और जिसके लिए हमने पिक किए हैं मेजर 6 या 7 पेयर्स, जिसमें यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, एयूडी यूएसडी, यूएसडी कैड और जीबीपी एयूडी और लास्ट है यूएसडी सीएचएफ। सबसे पहले बात करते हैं सबसे वॉलेटाइल जो पेयर है यूरो यूएसडी, राइट। इसके बारे में एनालिसिस स्टार्ट करते हैं वीकली टाइम फ्रेम से। वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो पुल बैक कंप्लीटली इस लेवल तक नहीं आया है अभी तक, जिस लेवल की बात हम लास्ट वीक भी कर रहे थे। ऑल्दो एक बहुत बुलिश जो है प्रेशर हमें यहाँ पर देखने को मिला था और प्राइस अभी जो है एक स्ट्रक्चर लेवल पर है और इस लेवल पर प्राइस को जो है एक रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है और उसके बाद एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ है। ये है डोजी कैंडल और उसके बाद ये है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न और एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न टाइप भी फॉर्म हुआ है यहाँ पर, जो कि उतना एक्यूरेट नहीं है। हाउएवर यहाँ पर जो प्रिडिक्शन है, जो अभी फिलहाल प्राइस का मूवमेंट हो सकता है पॉसिबल, वो ये है कि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है प्रोबेबली इस जोन तक। ये हमारा जोन है, इस जोन तक डीप आ सकता है प्राइस। अगर मैं 200 EMA की बात भी करता हूँ या मूविंग एवरेज की बात करता हूँ तो लेट्स सी। यहाँ पर देखिए 200 का जो पीरियड है, एटलीस्ट उस लेवल को प्राइस टेस्ट कर सकता है, राइट। तो ये वही जोन आ रहा है, कहीं ना कहीं इस लेवल को प्राइस टेस्ट कर सकता है आने वाले 1 या 2 वीक में। Alright, so for me it's a selling opportunity, alright, इस level पे। और इसके लिए आप lower time frame में जाके अगर sell की opportunity आपको मिल रही है तो आप देख सकते हैं आपका stop loss ये level है, इससे ऊपर कहीं होगा, इससे ऊपर, right। ये level अगर beat हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं ये trend continuation जो चल रहा था वो रहेगा upside में। राइट, अगर ये बीट नहीं होता है तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर प्राइस जो है अभी ट्रेंड पे है, एक डाउन ट्रेंड में कुछ समय के लिए, तो वे वेटिंग फॉर अ लोअर लो नाउ, क्योंकि लोअर हाई तो हमें क्रिएट हो चुका है और उसके बाद रिवर्सल भी दिख रहा है हमें, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पुल बैक आने की जो है पॉसिबिलिटी है यूरो यूएसडी में। और अगर लॉन्ग करने की बात है तो वो हम सोचेंगे इस लेवल तक डीप प्राइस आने के बाद, डीप प्राइस आने के बाद तो इस लेवल के आसपास जहां पर 200 पीरियड मूविंग एवरेज टच होता है प्राइस से, तो उस लेवल के बाद हम जो है यहां पर पॉसिबल लॉन्ग की एंट्री के लिए सोच सकते हैं, राइट। अगेन मनी मैनेजमेंट को साथ में रखिए और ट्रेड में अगर आप इन हो सकते हैं तो यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि एक नेकलाइन भी बन रही है और उसको ब्रेक नहीं किया है, तो ये हमारा SL लेवल हो सकता है मैक्सिमम। और जो प्रॉफिट टारगेट है वो आपकी, आप किस रिस्क टू रिवॉर्ड पे ट्रेड करना पसंद करते हैं। ऑलराइट, सो यूरो यूएसडी एज ऑफ नाउ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। ऑलराइट, नेक्स्ट पेयर है जीबीपी यूएसडी। फिलहाल तो ये एक्सट्रीमली बुलिश है और इस सिचुएशन में अगर पुल बैक आता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है, अगर पुल बैक आता है तो हमारा पुल बैक इस लेवल तक होगा। पहला लेवल ये होगा ट्रेडिंग का, दूसरा लेवल होगा दिस वन, ये जो एरिया है, राइट। तो पहला लेवल दिस वन, यहां पर कहीं ना कहीं वो 200 पीरियड मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगा फिर से, तो उसके बाद पॉसिबल लॉन्ग की एंट्री हो सकती है, राइट। फिलहाल के लिए एक्सट्रीमली बुलिश है और इस एरिया में ना तो हम सेल कर सकते हैं और ना ही हम कोई बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, राइट। सो एज ऑफ नाउ जीबीपी यूएसडी में बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है, तो हमें इसके लिए वेट करना होगा, ओके। नेक्स्ट पेयर हमारा है यूएसडी जेपीवाई।
बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम की। ऑलराइट, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी और उसके बाद कहीं ना कहीं रिटेस्ट करने के लिए एक लेवल तक प्राइस को जाना था, वो जा नहीं पाया। ये ट्रेंड लाइन है और यहाँ पर ब्रेक हुई है, राइट। तो देखिए एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ऑलराइट, सी ये लेवल वैसे स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। देखिए जहां से प्राइस ने वापस पुश करना स्टार्ट किया वो लेवल भी कहीं ना कहीं टेस्टेड है मल्टीपल टाइम पास्ट में, तो ये लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल हो सकता है कहीं ना कहीं, राइट। अगर ये, क्योंकि यहां पर देखिए बहुत अच्छा एक इनडिसीजन कैंडल फॉर्म हुआ और अगला कैंडल उससे ऊपर क्लोज हुआ, तो कहीं ना कहीं ये बाय की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, राइट। लेकिन इसके लिए हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पर देखिए चांसेस हैं कि इस लेवल को भी प्राइस टेस्ट करने दोबारा आ सकता है, तो ये मैक्सिमम ये एक लेवल हो सकता है यहाँ पर। ये जो एरिया है, राइट, इस एरिया तक प्राइस आ सकता है डीप, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड लाइन को भी वो रिटेस्ट करेगा और ये जोन जो एरिया है यहाँ पर इसको भी टेस्ट करेगा। हाउएवर फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स आई वुड से इट्स बाइंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है, और हम देख सकते हैं यहाँ पर बाइंग का कोई ऑप्शन। सेलिंग के लिए एज ऑफ नाउ आई वुड से नो। उसका रीजन ये है कि जो रिसेंटली चैनल चल रहा था वो ब्रेक हुआ है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ट्रेंड रिवर्स हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो चैनल था वो ऑफकोर्स यहाँ पर टूटा हुआ है, तो हो सकता है कि प्राइस जो है एक नए चैनल पर काम करे, हो सकता है कि कुछ इस तरह से जो ट्रेंड लाइन बन रही है इसको रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करे कुछ इस तरह से। तो इस लेवल के आसपास प्राइस के आने के चांसेस हैं इन फ्यूचर में, इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए, या फिर ये जो एरिया है जो कि हाईली टेस्टेड एरिया दिख रहा है यहाँ पर, तो इस लेवल तक आने के चांसेस हैं प्राइस के नेक्स्ट 2-3 वीक में। तो आप यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। लेकिन आपका स्टॉप लॉस जो कहीं ना कहीं देखिए, या तो ये वाला जो एरिया है, तो ये वाला एरिया काफी स्ट्रांग लग रहा है यहाँ पर। यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं, आप यहाँ पर बाइक की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, पहली बात तो, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे और टेक प्रॉफिट आप देख सकते हैं एटलीस्ट स्विंग हाई, ठीक है। या फिर आप प्राइस को डीप आने का वेट कर सकते हैं यहाँ पर। अगर मैं 4 आवर्स टाइम फ्रेम की बात करूं तो यहाँ पर देखिए एक जो रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है, राइट। तो इसके बाद देखिए कहीं ना कहीं एक पुल बैक आ सकता है, तो वो एटलीस्ट इस लेवल को टेस्ट, यानी जो ट्रेंड लाइन है इसको टेस्ट करने आ सकता है, तो उसके बाद आप देख सकते हैं बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, अगर अभी आप बाय करने की सोच रहे हैं तो हो सकता है कि आपको एक ड्रॉडाउन में जाना पड़ सकता है, और अगर आप एक पुल बैक का वेट करते हैं थोड़ा सा और नीचे डीप पुल बैक आने के बाद ट्रेंड लाइन के आसपास वहां पर बाय करते हैं, तो वो मैं कह सकता हूं कि हो सकता है कि वहां पर ये ट्रेड आपका मिस हो जाए, ये हो सकता है। लेकिन आपका जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं कि अगर वो प्राइस जोन में आए तभी, अगर आपका स्ट्रैटेजी कहता है कि आपको ट्रेड में इन होना है, तो फिर आप ट्रेड मिस आउट करने का भी जो ऑप्शन है वो रख सकते हैं। इट्स ओके, मार्केट है, और कहीं ना कहीं अगर आज आपको अपॉर्चुनिटी कोई मिस हो जाती है तो वो अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं वापस लौट के आएगी, वो एंड ऑफ दी एवरीथिंग नहीं है, राइट। तो ये नहीं तो दूसरा पेयर, आज नहीं तो कल मार्केट आपको ऑप्शन या फिर अपॉर्चुनिटी जरूर देती है, लेकिन उसके लिए आपको ये नहीं कि आप फोमो में आके आपकी स्ट्रैटेजी के खिलाफ चले जाए, ऑलराइट। सो यूएसडी जेपीवाई फॉर मी फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ वीक आई वुड से बाय अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट पेयर हमारे पास है जीबीपी जेपीवाई। एनालिसिस करते हैं वीकली टाइम फ्रेम से, एक्सट्रीमली बुलिश एज आई कैन सी हियर। एक लेवल ऑफ स्ट्रक्चर के आसपास प्राइस है, तो एज ऑफ नाउ आउट से कि हम यहां पर कुछ समय का वेट करें और प्राइस को जो है इस लेवल को टेस्ट करने का हम वेट करेंगे, ठीक है। ये जो एरिया है और यहां पर कहीं ना कहीं पॉसिबल शॉर्ट का हम देख सकते हैं, ठीक है। एज ऑफ नाउ इट्स कंप्लीटली बुलिश और इस लेवल पर बाय की अपॉर्चुनिटी भी मैं आपको कह नहीं सकता कि यहां पर बाय कीजिए, ठीक है।
कभी भी इस लेवल पे एक डीप पुल बैक आ सकता है। तो एज ऑफ नाउ आप वॉच कीजिए, इस लेवल को टेस्ट होने का आप वेट कीजिए, उसके बाद कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन चैनल बन रहा है। आप देखिए इस तरह से ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, इस तरह से एक चैनल है। तो कहीं ना कहीं अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है तो ये प्राइस आने वाले समय में इन नेक्स्ट फ्यू वीक यहाँ से इस लेवल को टेस्ट करने के बाद एक वापस पुल बैक करके इस लेवल को टेस्ट कर सकता है। सो यहाँ पर आपके पास दो अपॉर्चुनिटी होगी। फर्स्ट, आप यहाँ पर पॉसिबल शॉर्ट देख सकते हैं इस एरिया पे, और इस एरिया के बाद अगर यहाँ पर प्राइस आता है तो यहाँ पर आप पॉसिबल लॉन्ग देख सकते हैं, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है जो कि बहुत लंबा ट्रेंड लाइन था। एक 2018 से ये चैनल चल रहा था, तो वो ब्रेक किया कहीं ना कहीं, तो ये रिटेस होने आएगा, राइट। कुछ समय के लिए आप नेक्स्ट वीक प्रोबेबली यहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है शॉर्ट की, और यहाँ पर बन सकती है लॉन्ग। ऑलराइट, अभी फिलहाल के लिए इनडिसीजन। यूएस जो जीबीपी जेपीवाई जो पेयर है वो इनडिसीजन है, आप वेट कीजिए। यहाँ पर कोई ट्रेड मेरे हिसाब से नहीं बन सकती एज ऑफ नाउ, अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूँ। हाँ, अगर स्कैल्पिंग है तो वो आप देख सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम, राइट। नेक्स्ट पेयर है एयूडी यूएसडी, जो कि एक्सट्रीमली बुलिश है, और यहां पर कहीं ना कहीं देखिए वीकली टाइम फ्रेम में हम कह सकते हैं कि अगर ये प्राइस यहां पर देखिए, अगर ये प्राइस इसको ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है बुलिश है, वी डू नो दैट, ये स्ट्रक्चर ये जो हाई है क्योंकि पुल बैक आया है, अगर ये ब्रेक कर देता है राइट, इसको तोड़ के ऊपर पहुंचता है अगले दो या तीन दिनों में, जो कि चांसेस हैं, तो कहीं ना कहीं यहां पर आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड का एक ऑप्शन देख सकते हैं इस एरिया में, और वो ऑप्शन होगा बाय का, क्योंकि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग यहां पर जो है एक जोन है जो कि अभी रेजिस्टेंस है, बाद में वो सपोर्ट का काम करेगा, तो ये एक चांस हो सकता है बाइंग का, और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड वो आप जो है स्ट्रक्चर के हिसाब से आप देखिए। और मैक्सिमम अगर मैं बात करूं कि किस लेवल तक प्राइस जा सकता है, तो हमारे पास एक नियर बाय जो स्ट्रक्चर है वो ये लेवल है, तो अगले दो या तीन वीक में एटलीस्ट इस लेवल तक प्राइस जा सकता है, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं हम जो है एक शॉर्ट की एंट्री देख सकते हैं यहाँ। राइट, सो ये रहा ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर। नेक्स्ट है यूएस डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर, जो कि डाउन ट्रेंड में है फिलहाल बहुत लंबे समय से, और अभी भी जैसा मार्केट स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से ये अगले कुछ समय तक, अगले दो तीन वीक तक या चार वीक तक जो है ये डाउन ट्रेंड में रह सकता है। पॉसिबिलिटी है कि ये एक लेवल है स्ट्रक्चर का, इस स्ट्रक्चर को टेस्ट करके वापस कहीं ना कहीं एक ट्रेंड रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो वहां तक अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात करूं तो ये डाउन ट्रेंड में है, तो कहीं ना कहीं हम इस पे जो है शॉर्ट की एंट्री ही देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल भी यहाँ पर देखिए एक जोन है, ये अगर एरिया ब्रेक करके प्राइस इससे नीचे पहुंच जाता है राइट, तो यहां पर हम शॉर्ट यानी चार घंटे पे या फिर एक घंटे के टाइम फ्रेम पे जो है ब्रेकआउट और उसके बाद रिटेस्ट होने का वेट करके ये एक एंट्री वाला मौका हो सकता है हमारे लिए शॉर्ट एंट्री का। ऑलराइट, सो यूएसडी कैड आई वुड से फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स शॉर्ट। नेक्स्ट पेयर जीबीपी एयूडी, ब्रिटिश पाउंड वर्सेस ऑस्ट्रेलियन डॉलर। वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं और यहां पर ये है डाउन ट्रेंड में, और कहीं ना कहीं यू नो एक मैं कह सकता हूं कि ये अभी एक लेवल है, इस लेवल तक यू नो ये जो लेवल टेस्ट करके प्राइस गया हुआ है ये स्ट्रांग लेवल रहा हुआ है राइट। तो आई वुड से कि यहां पर अगर हम देखेंगे एज ऑफ नाउ तो एक शॉर्ट का ही ऑप्शन जो है हमारे पास है, क्योंकि प्राइस जो है वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन की तरफ भाग रहा है, लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना रहा है। ये लेवल है जहां पर हम शॉर्ट का जो है ऑप्शन देख सकते हैं,
क्योंकि ये प्राइस थोड़ा सा और ऊपर आ सकता है इस लेवल तक, एक्सट्रीमली यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, और या फिर नेक्स्ट जोन हमारा हो सकता है। पहला तो ये 200 पीरियड का मूविंग एवरेज यहाँ से जो है शॉर्ट होने के चांसेस हैं, या फिर आप शॉर्ट कर सकते हैं मैं कहूँगा इसको टेस्ट करने के बाद, या फिर ये जो प्रीवियस हमारा जो स्विंग हाई रहा है यानी जो लोअर हाई रहा है तो इस लेवल तक जा सकता है दिस वन। यहाँ तक प्राइस अगर रहता है और हमें एक अच्छा मौका मिलता है शॉर्ट का तो हम देख सकते हैं पॉसिबल शॉर्ट एंट्रीज का। हावेवर अगर प्राइस ने ये लेवल ब्रेक कर लिया और इससे ऊपर क्लोज हो गया डेली में, तो यहाँ पर फिर हमारा शॉर्ट करने का जो इरादा होगा वो बदल जाना चाहिए। उसके बाद हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन लॉन्ग की तरफ देखेंगे, लॉन्ग की तरफ देखेंगे, तो यहाँ पर हमारा बाय अपॉर्चुनिटी रहेगा। सो फिलहाल हम वेट करेंगे और यहाँ पर दो अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं। पहला कि हम जो ये 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है या जो ये स्ट्रक्चर है यहाँ तक प्राइस को आने का वेट करें, और यहाँ पर हम एक पॉसिबल शॉर्ट एंट्री का जो है वेट करें या सिग्नल का वेट करें, या दूसरा ये जो जोन हमारा है दिस वन यहाँ तक हम शॉर्ट देख सकते हैं। उसके बाद अगर प्राइस ऊपर चला गया तो शॉर्ट नहीं रहेगा, फिर हम बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ऑलराइट, सो अब बात करते हैं लास्ट पेयर की जो कि जो है यूएसडी सीएचएफ। और यहाँ पे देखिए एक रिवर्सल का जो है एक इंडिकेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पर, यानी ट्रेंड रिवर्सल का। स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो ये स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं पास्ट में जो है हिट हुआ है। देखिए ये जो एरिया है ये पास्ट में टेस्ट हुआ है और मल्टीपल टाइम हुआ है यहाँ पर भी, तो यहाँ से कुछ समय के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि प्राइस जो है इस लेवल को जो है हिट कर सकता है आने वाले 2-3 वीक में। तो अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूं तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है बना हुआ है, जिसके बारे में मैंने आपको एक बार ट्रेडिंग सिग्नल में भी बताया था। तो यहाँ पर चांसेस हैं कहीं ना कहीं बाय की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर है डेली में, ठीक है, और यहाँ पर हमें एक इनडिसीजन कैंडल मिला है और उसके बाद एक बुलिश कैंडल यहाँ पर दिख रहा है, ग्रीन कैंडल। तो कहीं ना कहीं आउट से दिस इज द परफेक्ट जोन फॉर बाइंग, ठीक है, यहाँ पर कोई भी वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डेली में यहाँ पर देखें तो एक परफेक्ट एंट्री का ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पर। स्टॉप लॉस आपके स्विंग लो के जस्ट नीचे 5-10 पिप नीचे, और आपका टेक प्रॉफिट एटलीस्ट ये लेवल। सो ये ऑलमोस्ट देखा जाए तो 1:3.5 का प्रॉफिट टारगेट है, ठीक है, बाकी 100% कुछ भी नहीं है ट्रेडिंग में। लेकिन मैं आपसे बोलूंगा अगर आपने ये एनालिसिस देखी है तो इस ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को आप मिस ना करें। ये कहीं ना कहीं मेरी एनालिसिस के हिसाब से एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड की कैटेगरी में शो कर रहा है। फॉर मी जितने भी आज पेयर्स मैंने रिव्यू दिए उसमें सबसे स्ट्रांग जो बाइंग मुझे अपॉर्चुनिटी लग रही वो इसी पे लग रही, इस पेयर पे, ठीक। यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका केवल है 34 पिप का, राइट, जो कि बहुत कम है। और अगर बात करूँ आपके टारगेट की तो वो ऑलमोस्ट 121 पिप का है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप $1 रिस्क लेके $3.5 अर्न करने की अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आउट से गो फॉर दिस रिस्क, राइट। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो कैलकुलेटेड रिस्क क्या होता है ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट द वीकली फोरकास्ट। ऑलराइट गाइस, अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, एक थम्स अप दीजिए, हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही कंटेंट क्रिएट करने में आपके लिए। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऑलराइट, सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल डे अहेड, हैप्पी ट्रेडिंग।